प्रिजन से गवर्नर बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से हो रही है? हाँ, मैं सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड बोल रहा हूँ। मैं किस तरीके से आपकी सहायता कर सकता हूँ? हमारे यहाँ एक कैदी है जो जर्मन की नाइट क्लासेस ले रहा है और उसकी इच्छा है कि वो ओ लेवल के एग्जाम के लिए अपीयर करे। अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छे गवर्नर हैं। वैसे मैं बता दूं कि ऐसे तो वो बहुत शांत कैदी है, लेकिन 3 बार भागने की कोशिश कर चुका है पर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। क्या हम उसे एग्जाम के लिए बिठा सकते हैं? इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मुझे आईडिया? अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगा। पहले आप मुझे उस कैदी का नाम तो बताइए। ओ हाँ, उसका नाम है जेम्स रॉड्रिक एवांस, हमारे प्रिजन का क्रिसमस रॉकस्टार है वो। ये तो सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे और बताइए उसके बारे में। वो मिकी एडफोर्ड की मिमिक्री बहुत बेहतरीन करता है। अरे वाह, बस एक ही बीमारी है बेचारे को। बीमारी? कैसी बीमारी? एक्चुअली उसे क्लोनजेनाइटल क्लिप्टोमैनिक नाम की बीमारी है जिसमें उसे चीजें चुराने की आदत है, इसीलिए वो हमारे प्रिजन में है। तब तो गवर्नर जी, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल की व्यवस्था कर ही लीजिए। हाँ, आप उसकी चिंता मत करिए, उसका एक खुद का पर्सनल सेल है, हम वहाँ पे एग्जाम करवा सकते हैं उसकी। चलिए, तब तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। इनविजिलेशन के लिए मैं एक प्रीस्ट भेज दूंगा और आशा करता हूँ कि एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ? ओके, चलिए रखता हूँ। थैंक यू। फीग्लू किवांस सर, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हें जर्मन में गुड लक विश किया है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। या फिर मैं कहूँ डैंके सचॉन। आई डाउट कल के एग्जाम में तुम कैसे पास होगे। क्या पता सर, मैं कल आप सबको हैरान कर दूं। वेल, फॉर दैट सेड, ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। एचएम प्रिजन के सारे कैदियों ने इवांस को इवांस द ब्रेकर का टाइटल दिया था क्योंकि उसने 3 बार जेल तोड़ के भागने की कोशिश की। ऐसे तो पहले इवांस को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाले जेल में रखा गया था पर वहां कोई दिक्कत आने के कारण उसे ऑक्सफोर्ड के जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। एचएम प्रिजन के गवर्नर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील किया करते थे कि इवांस जैसा कैदी उनके कैद में है, पर साथ ही साथ उन्हें इस बात की चिंता भी थी कि इवांस किसी दिन जेल तोड़कर भाग ना जाए और अगर ऐसा हुआ तो उनके प्रिजन का नाम बहुत खराब। स्टीफन, हमें हर चीज पे अपना ध्यान रखना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैजुअल्टी हो। जी सर। अरे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो मतलब इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स मेरे जैसे छोटे से कैदी के सेल में आए, मैं तो धन्य हो गया सर। और कैसे हो हमारे जूनियर आइंस्टाइन?
अरे सर, किससे कंपेयर कर दिया आपने? वो कहां मैं कहां, वो तो इतने बड़े मैथमेटिशियन है और मुझे देखिए। और हाँ सर, वो ज्यूज है जो कि मैं नहीं। स्टीफन। जी सर। इसके रेजर से मुझे याद आया, इसके शेव हो जाने के बाद ये रेजर उससे सीज कर लेना। जी सर। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके पास कोई भी ऐसी चीज हो जिससे ये जेल से फरार होने में सफल हो पाए या किसी को हानि पहुंचा सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से हमारे विंग का नाम डाउन हो। मिस्टर जैक्सन, क्या मेरा नेल कटर आपने सीज किया था? गवर्नर का ऑर्डर था, कंप्लेन करेगा मेरी। जाकर जा, कंप्लेन कर, जा 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 कर ना। गुस्सा है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। तेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, जल्दी से अपना ये काम खत्म कर और रेडी होकर आ, ठीक है? और हाँ स्टीफन, ये हैट हटा लेना। सर, ये हैट नहीं सर, प्लीज सर। सर ये हैट मेरा इकलौता लकी चार्म है सर, प्लीज सर, ये नहीं सर। आज एग्जाम में पास होने के लिए यही तो हेल्प करेगा मुझे। छोड़िए ना सर। ठीक है, मैं सिर्फ ये हैट अलाउ कर रहा हूँ, वैसे भी मुझे ये तेरे लंबे बाल बिल्कुल पसंद है। ठीक है स्टीफन, कीप एन आई ऑन हिम। मौसम वैज्ञानियों ने सुबह कुछ ओस की बूंदों के साथ एक ठंडे दिन की सूचना दी थी, और इसी बीच हम देखते हैं कि मैक्लेरी सुबह सुबह अपने घर से निकलकर एचएम प्रिजन की ओर जा रहा है। उसके सर पे लगी हैट उसे बारिश के छींटों से बचा रही है। उसके चश्मे के ग्लास में थोड़ा कोहरा जमा हुआ था। मैक्लेरी के दाएं हाथ में जो आप सूटकेस देख रहे हैं, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर, एनवेलप, इन्विजिलेशन फॉर्म, एक पेपर नाइफ, एक बाइबल, चर्च की एक करंट कॉपी एंड मैक्लेरी का स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड जो कि उसे एग्जाम हॉल में घुसने देगा। और स्टीफन्स को आदेश दिया गया था कि वो मैक्लेरी को एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाए। एग्जाम के सेल में एक लिसनिंग डिवाइस इंस्टॉल किया गया है ताकि गवर्नर सारी चीज सुन पाए। इवांस ने अब तक शेव कर लिया है और वो एग्जाम के लिए अभी रेडी हो रखा है। बैठिए सर। हेलो स्टीफन। यस सर। इवांस को लिसनिंग डिवाइस के बारे में बता दो। ओके सर। ओके। लगता मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अगर इवान को भागना होता तो अभी तक भाग चुका होता, लेकिन क्या पता इन्विजिलेटर के पास कोई चेक ब्रीफ हो जिससे इवांस को मदद मिले। एक काम करता हूँ, जैक्सन को बोलता हूँ एक चक्कर लगा ले। स्पेक्टेकल बॉक्स। नाइफ। एनवेलप काटने के लिए। ये इन्फ्लेमेबल ट्यूब आपके पास क्या कर रहा है? मुझे हेमरॉइड्स है और मैं भी उसी पे बैठूंगा। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली गवर्नर सर का ऑर्डर था हमें आपको चेक करने के लिए, और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें होना भी चाहिए। आई एम सॉरी, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुलाइए। श्योर। इवांस, हमारा पेपर कोड 021-1 है, डेस्क नंबर 313 है और सेंटर 271। सब वो सब तो ठीक है, पर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एग्जाम लिखूं जबकि एक आदमी मेरे सर पे चढ़ के बैठा है? मिस्टर जैक्सन, प्लीज मिस्टर स्टीफनसन को बाहर बुलाइए। स्टीफन, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो।
आ जाओ बाहर। आता हूँ सर। एग्जामिनेशन बोर्ड से बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए जी। क्वेश्चन पेपर में कुछ एरर्स है जिसका करेक्शन मुझे सेट के साथ ही देना था पर मैं भूल गया हूँ, तो जो रेक्टिफिकेशन है वो आप प्लीज इन्विजिलेटर तक पहुँचा दीजिए। ओके, मैं अपने सबॉर्डिनेट को ज्वाइन करवाता हूँ, आप उन्हें बता दीजिए, वो आगे पास ऑन कर देंगे। हेलो जैक्सन। हाँ सर। एग्जामिनेशन बोर्ड से एक फोन आया है जी, उनसे समझ लो क्या करेक्शन है और इन्विजिलेटर को बता दो। ओके सर। कहीं ये फेक कॉल तो नहीं? इवांस ये करेक्शन नोट करो, पेज नंबर 3 के 15th लाइन में जो फोर्थ वर्ड है उसकी स्पेलिंग GOLDEN होगी ना कि GOLDENE। गवर्नर को उसी समय याद आता है कि छठी कक्षा में वो भी जर्मन की क्लास लिया करते थे और बस वो अपनी लड़कपन की यादों में खो गए। ये इवांस ने अचानक चद्दर क्यों ओढ़ लिया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मुझे सर को बताना चाहिए, या फिर हो सकता है उसे ठंड लग रही हो। हाँ उसे ठंड ही लग रही होगी। हाँ हाँ आज का मौसम भी काफ़ी ठंडा है, तो शायद उसे ठंड ही लग रही होगी। इवांस तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट है। हेलो। सुनो स्टीफन। यस सर। एग्जाम खत्म होने के बाद मैक्लेरी को गेट तक एस्कॉर्ट करके आना। ठीक है सर। हाँ चलो ठीक है। ओके सर। आइए सर। जब ये आए थे तब इनका पेट निकला हुआ था, अभी अचानक पेट अंदर हो रखा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? इनकी आवाज़ भी बिल्कुल चेंज हो गई। खैर लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। हैव अ नाइस डे सर। मैंने इवान का सेल ठीक से बंद किया था ना? चेक करना होगा। अरे सर। हाँ मिस्टर जैक्सन। सर जैक्सन जल्दी आइए सर। सर जैक्सन। सर जैक्सन जल्दी आइए सर। क्या हुआ स्टीफन? सर देखिए सर क्या हो गया। क्या हो गया ये? सर पता नहीं सर क्या हो गया। सर इवांस का मुझे गवर्नर के पास ले चलो। पर ये हुआ कैसे? आप ऐसे कैसे हो गए? सर वारा वारा मेरे ऊपर वारा सर सर जिसमें लिखा हुआ था कि लास्ट के 3 मिनट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी में उसे फरार होना है और उसमें लिखा था कि मैक्लेरी को मार के भागना पर ज्यादा जोर से मत मारना क्योंकि वो एक प्रीस्ट है। तो इवांस ने
गवर्नर, हमें सूचना मिली है कि आपके यहाँ से एक कैदी फरार हो गया है। जी सर, हमें भी अभी पता चला। आप लोग इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? हाँ, वो अभी इवान अभी फरार हुआ है और मुझे भी अभी पता चला है। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? सर, हमें भी अभी पता चला है। मैं जानता हूँ वो कहाँ गया होगा। मिस्टर मैक्लेरी, आप अगर मिस्टर कार्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके इन्हें बता दें कि इवान कहाँ पर है, और आप प्लीज इन्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दीजिएगा। हाँ चलो, ले चलते हैं हम लोग इसको। और आप प्लीज इसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दीजिएगा, बहुत खून बह गया है। तुम लोग इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? आज इतना क्रूशियल दिन था, सिर्फ 2 घंटे की बात थी और एक कैदी था, और तुमसे वो भी नहीं संभला। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? और स्टीफन, तुम उसे गेट तक छोड़ के आ गए। सर, आप ही ने तो मुझे फोन कर कहा था कि मिस्टर मैक्लेरी को गेट तक छोड़ कर आना है। मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ फोन नहीं किया। सर, आप ही ने तो फोन किया था और कहा कि उन्हें छोड़कर आने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। और जैक्सन, तुम, यही है तुम्हारी सिक्योरिटी? हाँ सर, पर आप ही ने तो चुप बोला। चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें कहा था कि उसका सेल अच्छे से चेक करना। यही चेक किया तुमने? ये सिक्योरिटी है तुम दोनों की? उसके पास मैक्लेरी जैसा सेम कोट कैसे आया? एक सेकेंड, ओह माय गॉड, न्यूबरी, वो न्यूबरी में गया होगा, गोल्डन लाइम होटल में। गोल्डन लाइम? मिस्टर बेल को फोन करो और उन्हें बताओ कि वो न्यूबरी की तरफ गया है, और तुम दोनों उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके साथ चले जाओ। ओके ओके सर। ओके सर, मैं ही फोन कर लेता हूँ। हाँ गवर्नर, हाँ वो मैक्लेरी ने इवान्स को एल्सिल्ड वे की तरफ जाते हुए देखा था, पर जितनी देर में हम वहाँ पहुँचे वो हमारे हाथ से निकल गया था। ओह, दैट वाज अ मिस। मैंने उसका क्वेश्चन पेपर चेक किया है, उसमें उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। वो न्यूबरी में गोल्डन लाइम होटल में रुका हुआ होगा। प्लीज वहाँ पे जाइए, आई थिंक इवान्स हमें मिल जाएगा। अच्छा, और आपने मैक्लेरी को हॉस्पिटल ड्रॉप कर दिया था? हाँ, हमने एम्बुलेंस बुला लिया था, अब तक तो वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल पहुँच भी गया होगा। ओके ओके, थैंक यू, मैं भी वहीं पहुँचता हूँ। ओके 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 गवर्नर, ओके। एक बार हॉस्पिटल में चेक कर लेता हूँ। हेलो रेडक्लिफ हॉस्पिटल, हाउ कैन आई हेल्प? मैं गवर्नर ऑफ HM प्रिजन बोल रहा हूँ। मैक्लेरी नाम का एक बंदा आपके यहाँ पे एडमिट हुआ होगा, उसका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है ना? I'm so sorry sir, इस नाम का कोई आदमी एडमिट नहीं हुआ है। क्या? हाँ, एम्बुलेंस जरूर गई थी उनको लेने के लिए, बट वहाँ जाके पता चला वो कोई नहीं। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हो। फॉर एनी फर्दर क्वेरी प्लीज कॉल रेडक्लिफ हॉस्पिटल। एडमिट नहीं हुआ है। हेलो गवर्नर, यार मुझे आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एक्चुअली असली मैक्लेरी एग्जामिनेशन को इन्विजिलेट करने आई नहीं थी, वो तो सुबह से अपने घर पे बंद है, और आपके यहाँ जो मैक्लेरी आया था वो नकली मैक्लेरी था। क्या? स्टीफन, जैक्सन। जी सर। जैक्सन, तुम्हें पता है हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है? सुबह जो मैक्लेरी आया था वो साले मैक्लेरी था ही नहीं। और स्टीफन, तुम जिसे गेट तक छोड़ के आए थे वो नकली मैक्लेरी था, और यहाँ जो मैक्लेरी बनकर हमारे साथ बैठा था खून में लथपथ घायल, वो असल में इवान्स था, जिसे हमने घायल मैक्लेरी समझकर डिटेक्टिव की गाड़ी में खुद से बिठा के भगाया है। सो असली इवान्स भागा नहीं है, उसे हमने फरार कराया है। हमने, कैन यू बिलीव दैट? हमसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है? We'll be right back.
हाय सर, हाउ मे आई हेल्प यू? मेरे नाम से एक रूम बुक्ड होगा, देखिएगा जरा। सर, कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ योर नेम? जेम्स रॉडरिक इवांस। ओके, जस्ट अ मिनट। श्योर। या सर, योर कीज। थैंक यू। यू आर वेलकम सर, हैव अ नाइस डे। बाय द वे, एक्सक्यूज मी। यस सर। कल का अगर ब्रेकफास्ट डिले भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे रूम में न्यूज़पेपर भिजवा दीजिएगा, बिकॉज मेरे को वो पढ़ना रहता है। ओके ओके सर, आप रूम में जाइए, मैं अभी भिजवाती हूँ न्यूज़पेपर्स। यार ये ब्लेड है जिसने आज मेरी जान बचाई है, ये नहीं रहता तो मैं अपने बाल काट के वहां से भाग नहीं पाता। तुमने मेरा बहुत हेल्प किया है यार, थैंक्स। कहाँ? बैठ, वही बैठ। क्या युवांश, यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ कैसे आया? वैसे ही जैसे तुम आए इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू। मैंने तुम्हारे वो करेक्शन वाले कोड्स और कोऑर्डिनेट्स क्रैक कर लिए। तुम्हें क्या लगा मुझे जर्मन नहीं आती? मैं पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम सेल के अंदर वो खून, वो दाढ़ी, वो सब कैसे लेके आए? सर एक्चुअली जो इन्फ्लेमेबल रबर ट्यूब थी ना, उसी के अंदर खून था। मैं एक्चुअली सुअर के खून के साथ ट्राइसोडियम सिट्रेट को मिक्स कर दिया था जिससे खून ड्राई नहीं होता। और बाद बाकी मैक्लेरी डबल डबल कपड़ा पहन के आया था और फेक दाढ़ी मुझे एक्स्ट्रा लेके आया था अपने साथ, जो मैं लगा पाया। मान गया तुम्हें, लेकिन तुमने ये सब अकेले कैसे किया? आपको क्या लगता था मैं हमेशा अकेले था? जो जर्मन टीचर था, जो इन्विजिलेटर था, जिसने आपको फ़ोन किया करेक्शन के लिए, जिसने स्टीफन को कॉल किया इन्विजिलेटर को बाहर छोड़ने के लिए, ये सारे मेरे ही दोस्त थे। मैं डे वन से लेके अब तक इन सब के कॉन्टैक्ट में था। बट खैर बात अलग है कि आपको कभी समझ नहीं पाए, आप लोगों को भी पता नहीं चला। तो चलो बहुत अच्छे, बहुत प्लानिंग कर ली, अब बाकी की प्लानिंग जेल में करना। गाड़ी में बैठाओ उसे। चल 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 अंदर चल, बैठ। वैसे सर मुझे आपसे एक चीज और पूछनी थी। क्या बोलो? सर सितंबर महीने में इटालियन का ओ लेवल एग्जाम हो रहा है, सोच रहा था वो भी दे दूं। सर सही है ना? हाँ जरूर, लेकिन तब तक तुम मेरे जेल में रहे तो, जिसकी उम्मीद मुझे लगती नहीं है। सही कह रहे आप सर। चलो मैं आता हूँ पीछे गाड़ी में। मिलते हैं। अरे भाई जल्दी गाड़ी भगाओ, वो लोग आ जाएंगे।
कुछ समझ क्यों नहीं रहा? वो लोग आ जाएंगे। अरे मैं गाड़ी भगा तो दूंगा, पर इवांस जाना कहाँ है? वहीं जहां हमने पहले प्लान किया था। और इस तरह हमारा इवांस ओ लेवल एग्जाम में सक्सेसफुल हुआ।